हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तुहाडा अज एक नवे ब्लॉग विच। मैं आशा करदा कि तुसी सारे ठीक होवोगे ते तुहानू अज एक मैं वधिया प्रसिद्ध जगह ते लैके जावांगा, श्री काली माता मंदिर पटियाला। ते आपां देखांगे, तुहानू मैं अमलोह तो पटियाला लैके जावांगा ते अपना एक्सपीरियंस शेयर करांगा ते काली माता जी दे आपां दर्शन करांगे सारे। जिथे तक हो सकदा उत्थे फोन अलाउड नहीं हैगा मैनू लगदा है, ते पर मैं कोशिश करांगा तुहानू कुछ दृश्य दिखावां माता जी दे दर्शन होण आपां नू। ते चलो चलदे हां। हाँ जी फ्रेंड्स, चलो चलते हैं आप पटियाले। तो मैं जाने गड्डी विच बैठ के तैयार हाँ। तो तुसी देख रहे हो मेन बाजार अमलोह। तो हुण मैं राइट टर्न लऊंगा नाभा बस स्टैंड अमलोह, जिन्हों की लोग पहला अड्डा भी कहिंदे ने, ते दूजा अपना है मंडी गोबिंदगढ़ वाला अड्डा। तो तुसी देख रहे हो नाभा बस स्टैंड तरफ जा रहा मैं। गर्मी होने करके थोड़ी जी ह्यूमिडिटी बहुत वध जाती है हवा च, पर एसी च ठीक लगता है, पर उंज गर्मी बहुत है। तुसी देख रहे हो नाभा बस स्टैंड। ते हुण मैं अमलोह क्रॉस कर लिया है, ते ना पटियाले वल मैं वध रहा, टोल टैक्स कालकड़ विचों दी होके लंघागा मैं। ये तुसी देख रहे हो नाभा रोड अमलोह। हाँ जी दोस्तों, तुसी देख रहे हो मैं चहल पहुँच गया। तो मेरे राइट हैंड ने श्री गुरुद्वारा साहिब, जिसनों कि मैं सिर झुका के शीस निवंदा करता हाँ। रब का रूप तो दोस्तों इको है, लोगों ने बना रखे ने रब के अलग अलग रूप, रब का रूप इको है। तो तुसी देख रहे हो दोस्तों मैं पासो पहुँच गया, पासो बस स्टैंड। तो हुण मैं लैफ्ट हैंड तो पटियाले वल नूं होवांगा। तो हाँ जी दोस्तों, तुसी देख रहे हो मैं दित्तूपुर पहुँच गया, कि जो कि अमलोह तो पटियाले के अद्ध विचकार पिंड है। तो रस्ते विच आउंदी हुई दरख्तों की छां बहुत वधिया लगती है, एवें लगता जिवें रोड नूं कवर कर रखा है पूरी तरह दरख्तों ने। ग्रीनरी हुंदी भी बहुत जरूरी है। हाँ जी दोस्तों, तुसी देख रहे हो कि मैं पासो चुंगी टप गया, पटियाले विच एंटर हो रहा। इत्थे आके ट्रैफिक वध जांदी है। हाँ जी दोस्तों, तुसी देख रहे हो 22 नंबर फाटक पटियाला, जो कि बहुत फेमस शॉप्स ने। इत्थे तुसी देख सकते हो व्यू बड़ा वधिया आ रहा है, 22 नंबर फाटक पटियाले का। हाँ जी दोस्तों, तुसी देख सकते हो मैं श्री काली माता मंदिर पटियाले पहुँच गया हाँ। तो इत्थे भीड़ बहुत, अज शनिवार का दिन है, तो अज एकम की तिथि पहली है।
ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਲੌਗ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਈਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।